हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पीएफ विड्रॉल हो गया या फिर पीएफ ट्रांसफ़र हो गया, दोनों में अभी एक एरर चल रहा था। जब भी आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई करते थे तो वहाँ पे एक आपको एरर शो होता था, या फिर आप पीएफ ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई करते थे तो वहाँ पे एक एरर आता था कि ओटीपी हैज़ फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ऐसे करके एक टॉपअप वहाँ पर एरर आता था, जिस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी। वो उसमें पीएफ का सर्वर डाउन होने की वजह से वो सारे एरर आ रहे थे दोस्तों। इसमें एम्प्लॉय की कोई भी गलती नहीं थी। ये लास्ट 2 से 3 दिन से पीएफ का जो सर्वर है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, वो बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ था। उसके लिए उन्होंने एक वो न्यूज़ में भी वो आर्टिकल निकाला था कि पीएफ का भी सर्वर ठप है, इसलिए आप ना अपना पीएफ विदड्रॉ कर पा रहे हैं एम्प्लॉय, ना फिर अपना पीएफ आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों मुझे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि ये कब तक स्टार्ट होगा, जो प्रोसेस विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट होगा, से कितना टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। तो दोस्तों, अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास एक कमेंट आया है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसने अभी अपना क्लेम पोर्टल पे सबमिट कर दिया है, तो जो ये प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि क्या ये रिजॉल्व हो गई है कि नहीं हो गई। आप देख सकते हो मैंने ये ऑनलाइन सर्विस का ये ट्रांसफ़र का पेज ओपन कर लिया आपके सामने। अब मैं यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है इस पर मैं टिक करता हूँ और गेट ओटीपी पे मैं क्लिक करता हूँ। ये अभी थोड़ा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये लोडिंग लेने में। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आप अपना पीएफ का ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले यहाँ पे क्या आता था, पहले यहाँ पे आता था ओटीपी हैज़ फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, तो ऐसा करके यहाँ पे पॉपअप आता था, बट अब ऐसा नहीं आ रहा है। जो पीएफ के सर्वर में जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है, आप अपना पीएफ का ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी मैं आपको पीएफ विड्रॉल का भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पे अभी एरर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं आपके सामने अभी लाइव आपको दिखा दूंगा कि जो पीएफ विड्रॉल में जो एरर आ रहा था वो वहाँ पे अभी भी कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोस्तों, चलते हैं ऑनलाइन क्लेम पे, जहाँ पे हम ऑनलाइन विड्रॉ करते हैं पीएफ, उस पेज पे हम चलते हैं अभी। दोस्तों, आप देख सकते हो ये पीएफ विड्रॉल का फॉर्म है। यहाँ से ऑनलाइन सर्विस में जाके मैंने सारी जो डिटेल थी वो मैंडेटरी फिल कर ली है ऑलरेडी। आप देख सकते हो ये पीएफ विड्रॉल का फॉर्म है, तो मैं अभी यहाँ पे टिक करता हूँ। दोस्तों, ये चेक बॉक्स है यहाँ पे टिक का, मैं इस पर अभी टिक करता हूँ। टिक करने के बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे गेट आधार ओटीपी, मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ ये अभी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो सक्सेस, ओटीपी हैज बीन सेंट ऑन मोबाइल नंबर, जो भी मेरा मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर उस पर ओटीपी चला गया है। तो दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम थी आधार, जो पीएफ का सर्वर अभी तक नहीं चल रहा था, वो रिजॉल्व हो गया है, अब सर्वर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो आप अपना पीएफ का विड्रॉ कर सकते हो, जाके अपना पीएफ का विड्रॉ हो गया या फिर आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो जो भी आपका क्लेम है आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लास्ट 2 से 3 4 दिन से प्रॉब्लम आ रही थी सभी को, जिससे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा परेशान थे। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सब्सक्राइबर का, जिसने मुझे अपडेट किया कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। दोस्तों, आपके पास भी ऐसा कोई भी सवाल हो, या फिर जिस पर आपको लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम जिसको आप फेस कर रहे हो गया, या फिर ये सारी जिससे भी रिलेटेड आपका कोई भी सवाल आपके मन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों, तो मैं आपकी उसमें हेल्प जरूर करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।